हेलो एवरीवन, स्टडी विथ विपुल साई चैनल पे आपका स्वागत है। और आज आपके लिए लाए हैं हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग डिजर्व्स द क्रेडिट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ लाल किला। लाल किला को बनाने का क्रेडिट किसे जाता है? ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां। और हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, जजियाबाज री इम्पोज ड्यूरिंग द रेन ऑफ। जजिया फिर से लागू किया गया किसके शासनकाल में? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी हुमायूं। और हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में जजिया को फिर से लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल एम्परर हु प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ टोबैको बाज। टोबैको के यूज को रोकने वाले शासक का नाम। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी औरंगजेब। और हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी औरंगजेब। औरंगजेब ने टोबैको के यूज को उपयोग को रोका था, बैन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द मुगल रूल द कॉपर क्वाइन वाज नॉन एज। मुगलों के शासनकाल के दौरान कॉपर के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए रूपी, ऑप्शन बी दाम, ऑप्शन सी टंका, ऑप्शन डी सामसी। और हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी दाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज डिस्ट्रिक्ट नॉन एज ड्यूरिंग द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। मुगल शासनकाल के दौरान, शासन व्यवस्था के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए अहर, ऑप्शन बी विषया, ऑप्शन सी सूबा, ऑप्शन डी सरकर या सरकार। और हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी सरकर या सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक द लास्ट मुगल द फॉल ऑफ ए डायनेस्टी दिल्ली 1857। यह किताब किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन ए जॉर्ज जॉन क्रिकलैंड, ऑप्शन बी विलियम डालरिम्पल, ऑप्शन सी थॉमस विल्सन, ऑप्शन डी साइमन डिग्बी। और हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी विलियम डालरिम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स हैड द लॉन्गेस्ट रेन। इन सभी में से कौन से ऐसे मुगल शासक थे जिनका शासनकाल सबसे लंबा रहा? ऑप्शन ए बहादुर शाह, ऑप्शन बी जहांदार शाह, ऑप्शन सी फरूख सियर, ऑप्शन डी मोहम्मद शाह। और हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी मोहम्मद शाह। इनका शासनकाल सबसे लंबा रहा इन राजाओं में से। ऑप्शन एट द मुगल एम्पायर एक्सटेंडेड अप टू तमिल टेरिटरी इन द साउथ अंडर द रेन ऑफ। मुगल एम्पायर तमिल तक फैला किसके शासनकाल में दक्षिण भारत में? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां। और हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग मुगल एम्पायर विच ऑफ द प्रोविंसेस वाज लॉस्ट इन 1622। मुगल के शासनकाल में साम्राज्य में कौन सा ऐसा प्रांत था जो 1622 में मुगलों ने खो दिया, उसे पुनः प्राप्त किया 1638 में और फाइनली लॉस्ट कर दिया 1649 में? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी काश्मीर, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी कंधार। और हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी कंधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, द उपनिषद्स वेयर ट्रांसलेटेड इनटू पर्सियन। उपनिषद को पर्सियन भाषा में दारा सिकोह ने ट्रांसलेट किया था किस टाइटल के से, मतलब उसका नाम क्या था? ऑप्शन ए अल फहरिस्त, ऑप्शन बी किताबुल बयान, ऑप्शन सी मजम उल बहरेन, ऑप्शन डी सिरे अकबर। और हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी सिरे अकबर। तो ये था आज का वीडियो। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी सारे सीरीज को देखने के लिए चैनल पे जाएं। थैंक यू।